भक्त माने जाउछंती एवं चतुर्धा मूर्ति को रत्नवेदी रे देखिबे से लालसा अनेक समय रु अछि रात्रि रे जेंती प्रतिक्रिया मध्ये दउथिले रात्रि रे ठीक से निद मध्ये हेई नाही केमिति सकाळ सकाळ टिके महाप्रभु को पाखकु जाई कि दर्शन करिबु दर्शन रे से अनुभूति साउंटिबु से निश्चिंत भाबरे अति सुंदर कथा जी आप कहाँ से आए थे दर्शन हुआ हम नोएडा से आए हैं दर्शन हुआ बहुत ही अच्छे से हुआ वहाँ पे तो जगन्नाथ मंदिर भी है आप दर्शन किए होंगे हाँ जगन्नाथ मंदिर में दर्शन भी किए हैं वहाँ पे लेकिन यहाँ पे आने की बहुत इच्छा थी तो पंडित जी की सहायता से भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए बहुत ही अच्छा लगा जो महाप्रभु के साथ जो अनुभूति रहा है हर समय लोग बोलते हैं कि जब यहाँ आते हैं तो मन में एक अलग सा सुकून होता है जो मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते आपको कैसा लगा देखिए मन के अंदर जिसके लिए आप श्रद्धा रखते हैं ना फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें निकाल देने से मन को बहुत शांति मिलती है अच्छा और ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है इसलिए अच्छा लगता है आपकी जो श्रद्धा है महाप्रभु के साथ उसे अलग सी एक अनुभूति होगा और कुछ तो ऐसा घटना होगा चमत्कार होगा जो महाप्रभु के साथ आपके मिला होगा हमको तो लगता है ये जीवन ही उनका आशीर्वाद है इसलिए जो कुछ भी अच्छा होता है हमको उनकी कृपा लगती है जी आपकी जो अनुभूति रहा है बस मन को बहुत शांति मिलती है यहाँ आके दर्शन करके और जो मतलब मन के सारी परेशानियाँ खुशी सब उनसे बता के कह के और लगता है सदा उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे बना रहे मन को शांति मिले से परम आनंद प्राप्त मध्य हुए जितेबले यही क्षेत्र में पाद दे दिए आउ रत्नवेदी दर्शन रो मजा तो निश्चित भाव नियारा से नियारा अनुभूति भितर जितेबले आम साउंड उठाए भक्त श्रद्धालु मानकर से जो कथा रही था भक्ति भाव रही था जी कहाँ से आए थे दर्शन कैसे हुआ हम प्रयागराज से आए हैं दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ भगवान की कृपा बनी है वही बस धन्यवाद करने आए थे जो कुछ आज तक दिया उन्होंने उसके लिए धन्यवाद करने आए थे यहाँ की जो पीठ की जो स्वतंत्रता है जो आकर्षण है महाप्रभु के साथ वो थोड़ा बताएं बहुत ही अच्छा आकर्षण है उनका मतलब उन्होंने हमको खींचा अपनी तरफ तभी हम बिना किसी विघ्न के चले आए यहाँ सब बड़े सही प्रतिक्रिया ही हमें पाई था जे सी टाणी आणती से डोरी लगाती इच्छा रे श्रद्धा रे सबकि संभव होता है।